भारत ने ऑस्ट्रेलिया को रौनकर किया हर हार का बदला। T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में की रॉयल एंट्री। 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला हो या फिर वनडे विश्व कप 2023-2003 हो, हर मौके पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत का दिल तोड़ा था। लेकिन आज जैसे ही भारत ने उसे घुटनों पर लाया, यकीन मानिए हर भारतीय क्रिकेट फैन की छाती गर्व से चौड़ी हो गई होगी। T20 विश्व कप 2024 के सुपर 8 के अहम मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम अब T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर खड़ी है। बता दूं कि भारत ने रोहित की कप्तानी पारी के दम पर 205 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने विध्वंसक आगाज किया। हमेशा दर्द देने वाले ट्रेविस हेड ने ताबड़तोड़ 76 रन ठोके, लेकिन जब वो आउट हुए तो ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों ने भी दम तोड़ लिया। भारत सुपर 8 के अपने तीनों मैच जीतकर 6 अंक के साथ शीर्ष पर है और सेमीफाइनल में 27 जून को इंग्लैंड के साथ खेलना है। भारत के 206 रन के लक्ष्य का पीछा करने हुई ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने 43 गेंदों में 9 चौके और 4 छक्के की मदद से 76 रन बनाए, जबकि कप्तान मिचेल मार्स ने 37 रनों की पारी खेली। इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल 19 रन बना पाए और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट पर 181 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 37 रन देकर 3, जबकि कुलदीप यादव ने 24 रन देकर 2 विकेट चटकाए। इसके अलावा अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह ने भी एक एक विकेट हासिल किया। इससे पहले मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया। प्लेयर ऑफ द मैच रहे कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी अर्धशतक से भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट पर 205 रन बनाए। बता दूं कि कप्तान रोहित शर्मा ने 41 गेंदों में 7 चौके और 8 छक्कों की मदद से 92 रनों की शानदार पारी खेली। विराट कोहली इस मैच में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और वो 0 रन पर आउट हो गए। इसके अलावा ऋषभ पंत 15, सूर्य कुमार यादव 31, शिवम दुबे 28 और हार्दिक पांड्या ने नाबाद 27 रनों की उपयोगी पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की ओर से तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और मार्कस स्टॉइनिस ने 2-2 विकेट चटकाए। इसके अलावा जोश हेजलवुड ने बेहद ही किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट चटकाया। वहीं पैट कमिंस ने 4 ओवर में 48 रन खर्चे, जबकि उन्हें कोई भी विकेट नहीं मिला। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए निरंतर अंतराल पर ऑस्ट्रेलिया के विकेट गिराए और इस शानदार जीत के साथ भारत सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर चुकी है। अब भारत का सेमीफाइनल का मुकाबला इंग्लैंड के साथ 27 जून को खेला जाना है। वैसे क्या आपने भारत और ऑस्ट्रेलिया का सुपर 8 का थ्रिलिंग मैच देखा या नहीं, कमेंट्स करके बताइए। आशा करता हूँ कि यह जानकारी भरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक करना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ नए और रोचक जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद।